अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं सैयद मुर्तज़ा हुसैनी हाशमी, सज्जादा नशीन, दरगाह हज़रत हाशम पीर दस्तगीर, मुरीद नवाज, बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए तमाम आलम इस्लाम, रियासत कर्नाटक और विजयपुर ज़िले के तमाम मुसलमान और हिंदू समाज के साथियों को मेरी तरफ़ से, दरगाह हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर की तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और यह दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े आने वाले दिनों में हमारे विजयपुर ज़िले में, रियासत कर्नाटक में और हमारे भारत देश में अमन और सुकून कायम करे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सज्जादा नशीन, बारगाह हज़रत पीर मावलिकंडा रहमतुल्लाह। मैं मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम और हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक देता हूँ और हमारी ये ईद जो है खुशियों का पैगाम है और आपसी भाईचारा। और बहुत प्यारी बात है कि बीजापुर में सब हम लोग हिंदू मुसलमान बड़े से ये ईद का हमें ये करते हैं, ईद मनाते हैं। और ये मीठी जो मोहब्बत की जो ये ईद त्यौहार जो होते हैं, ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए होते हैं। और यही इस्लाम ने जो पैगाम इस ईद से दिया है, जो रोज़ा और जो है मीठे से इसकी जो ईद हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। बीजापुर के सारे शहरियों को, हिंदू मुसलमान मेरे भाइयों को, मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह अच्छी सेहत दे और तरक्की दे और ज़िंदगी में सुकून दे। इसके साथ आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप बीजापुर शहरी होने के नाते आप इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं, ये आप अपने आप में सोचें। आपका ताउन किसी तरीका का भी हो, उसे आप करके बीजापुर को हमको एक डेवलप्ड सिटी, एक खूबसूरत शहर बनाना है, एक क्लीन सिटी बनाना है। हम ये सोच के सिर्फ पॉलिटिशियन करेंगे या कोई ऑफिसर करेगा, ये उम्मीद में ना है। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे कुछ ना होगा। ये उम्मीद करूँगा कि आप बीजापुर के लिए ज़रूर अपने तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे। शुक्रिया। इे संदर्भ नूतन सचिव नम का पक्ष एल परवा रमजान हब्ब शुभाशय नगर जनते, जिले जनते सल।